हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। स्वागत है आप सभी का अपने इस प्यारे से चैनल के ऊपर। और आज हम बात करने वाले हैं कि जो भी कुछ टाइम हमारा बचा हुआ है नीट के एग्जाम के लिए, उस टाइम को हम कैसे बेटर यूटिलाइज कर सकते हैं हमारी प्रिपरेशन के लिए। कोरोना वायरस के चलते नीट के एग्जाम को लेके बहुत सारी अनसर्टेनिटीज ऑलरेडी क्रिएट हो चुकी है। बट जैसा कि मैंने लास्ट वीडियो के अंदर आपको बताया था कि आपको इन सारी की सारी अनसर्टेनिटीज को, इन सारी की सारी नेगेटिव न्यूज को अपने लिए पॉजिटिव एनवायरनमेंट और पॉजिटिव इम्पैक्ट के अंदर कन्वर्ट करना है। तो बात करते हैं कि किस तरीके से नेक्स्ट 40 डेज के अंदर आप नीट के पूरे सिलेबस को रिवाइज कर सकते हो। तो यहाँ पे इस वीडियो को आई होप दो कैटेगरी के स्टूडेंट्स देख रहे होंगे, खासकर जो फर्स्ट कैटेगरी है वो स्टूडेंट्स ज़्यादा होंगे जिन्होंने अभी तक अपना रिविजन स्टार्ट नहीं किया है। रिविजन स्टार्ट नहीं किया में वो बच्चे भी इंक्लूड हो चुके हैं जिन्होंने अभी तक एक बार भी सिलेबस भी कंप्लीट नहीं किया है। तो मेजॉरिटी जो इस वीडियो को देख रहे हैं वो आई होप इस कैटेगरी के अंदर आते होंगे। और जिन्होंने अपना सिलेबस पूरा का पूरा कंप्लीट कर लिया है, इनफैक्ट रिवाइज भी कर लिया है, और अब रिमेनिंग जो टाइम है उसके अंदर वो किस तरीके से और ज़्यादा बेटर इफेक्ट, बेटर इम्पैक्ट अपनी प्रिपरेशन के अंदर जनरेट कर सकते हैं, उसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे, राइट। तो इन दोनों कैटेगरीज को अलग अलग रख के बात करना जरूरी है, क्योंकि सेम स्ट्रेटजी दोनों तरीके के स्टूडेंट्स के लिए वर्क नहीं करेगी। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं उन स्टूडेंट्स के बारे में जिन्होंने अभी तक एक भी बार अपना सिलेबस कंप्लीट नहीं किया है, या फिर जैसे तैसे करके सिलेबस तो कंप्लीट कर लिया बट इतना सारा सब कुछ सिलेबस है उसको समेटना उन्हें नहीं आ रहा, मतलब रिविजन करना उन्हें नहीं आ रहा। तो उसके लिए आपको सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले अपने सिलेबस को एनालाइज करना। अगर आप मोटे मोटे तौर पर एनालाइज करोगे तो बायोलॉजी के अंदर 38 चैप्टर्स हैं, केमिस्ट्री के अंदर 30 चैप्टर्स हैं, और फिजिक्स के अंदर 28 चैप्टर्स हैं। तो आपको क्या करना है कि हर दिन इन तीनों सब्जेक्ट्स को थोड़ा 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 पढ़ना है। यानी कि ऐसा नहीं होना चाहिए कि कोई भी दिन आप केवल और केवल एक सब्जेक्ट को ही पढ़ते रह जाओ। वैसे तो मैं जितना स्टूडेंट्स को जानता हूँ उसके अकॉर्डिंग मैं ये कह सकता हूँ कि आप केवल और केवल अपना पूरा का पूरा दिन सोचने के अंदर गुजार देते होंगे, इनफैक्ट किसी भी सब्जेक्ट को नहीं पढ़ पाते होंगे ड्यू टू वेरियस फैक्टर। तो सबसे पहले तो आपको अपनी स्टडीज़ के लिए सीरियस होना है, राइट, पढ़ना स्टार्ट करना है। देखो, जब तक आप सेल्फ स्टडी नहीं करोगे तब तक कोई भी चमत्कार जो है वो आपको नीट के अंदर सेलेक्ट नहीं करवा सकता। आप कितने ही अच्छे स्ट्रेटजी के वीडियोस देख लो, आपको कितने ही अच्छे टीचर्स पढ़ाते हो, आप कितने ही अच्छे प्लेटफॉर्म के ऊपर पढ़ते हो, बट सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है सेल्फ स्टडी, राइट। तो आपको वो तो करनी ही होगी, उसके बिना नीट के अंदर सेलेक्शन नहीं हो पाएगा। तो आपको एक दिन के अंदर लगभग 8 से 9 घंटे पढ़ाई करनी है, और उन 8 से 9 घंटे पढ़ाई करने के दौरान आपको तीनों सब्जेक्ट्स को थोड़ा 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 कवर करते हुए चलना है, ताकि आपका जो कॉन्फिडेंस है वो तीनों सब्जेक्ट्स के लिए साइमल्टेनियसली इंक्रीज होता जाए, राइट। तो हम लोग किस तरीके से डिवाइड करेंगे इन चैप्टर्स को, तो हम लोगों ने एक प्रॉपर शेड्यूल बनाया है। अगर आप इसको फॉलो करना चाहते हैं तो ये बहुत ही बेटर हो सकता है। उससे पहले मैं बात करना चाहूँगा कि आपको बायोलॉजी को लगभग 4 घंटे देने हैं, 2 घंटे आपको रिविजन के लिए या फिर जो भी थ्योरी है उसको पढ़ने के लिए, और 2 घंटे MCQs की प्रैक्टिस करने के लिए आपको देना है, राइट। ये प्रैक्टिस करना जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बार अपन जब इंफॉर्मेशन पढ़ते हैं तो हमें सब कुछ समझ में आता है, लेकिन जब हम क्वेश्चंस करने के दौरान उस इंफॉर्मेशन को वापस से अप्लाई करते हैं क्वेश्चंस के अंदर, तो उससे एक बेटर रिटेंशन जनरेट होता है माइंड के अंदर। एक तरीके से आप अलमारी का एग्जाम्पल ले सकते हो। आपने अपनी अलमीरा जो है उसके अंदर कपड़े ठूंस रखे होंगे, राइट, और ऐसे ही रेंडमली बिखरे हुए होंगे। तो अगर आपको सपोज करो उन सारे के सारे कपड़ों को ढंग से जमाना है, तो आपको सबसे पहले उनको क्या करना पड़ेगा, बाहर निकालना पड़ेगा। तो कुछ ऐसा कैसा काम होता है नॉलेज के साथ, जब हम किसी चैप्टर को थ्योरेटिकली पढ़ते हैं तो हम एक तरीके से हमारी जो अलमीरा है यानी कि हमारा जो माइंड है उसको भर रहे होते हैं रेंडमली, जैसे हमने रेंडमली कपड़े भरे थे। अब अगर हमें उस इन्फॉर्मेशन को ढंग से रिटेन करना है तो हमें उसको बाहर निकालना होगा, और बाहर निकालने का मतलब है प्रैक्टिस करना। तो आपको प्रैक्टिस करनी होगी, और उस प्रैक्टिस से आपकी जो इन्फॉर्मेशन है वो एक बहुत ही बेटर तरीके से रिटेन हो जाएगी आपके माइंड के अंदर, बेटर कनेक्शंस बनेंगे डिफरेंट डिफरेंट इन्फॉर्मेशंस के बीच में, और आप बहुत ही आसानी से क्वेश्चंस को समझ पाएंगे, क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएंगे, राइट। फिजिक्स के अंदर आपको लगभग 2 से 2.5 घंटे गुजारने हैं, लगभग 1 घंटे आपको चैप्टर को पढ़ने के अंदर गुजारना है, और 1 से 1.5 घंटे आपको उस चैप्टर के ऊपर प्रैक्टिस करने के अंदर अपना टाइम जो है वो
बिताना है, राइट। केमिस्ट्री के बारे में बात करें, वही 2 से 2.5 घंटे के लिए आपको केमिस्ट्री की पढ़ाई करनी है, और बिल्कुल जैसे फिजिक्स के अंदर आपने करा कि हमें 1 घंटे पढ़ाई करनी है, मतलब चैप्टर को पढ़ना है, उसकी सारी की सारी इन्फॉर्मेशन, फॉर्मूलाज वगैरह सारी की सारी चीज़ें हमें ध्यान से अपने दिमाग के अंदर डालनी है और फिर उनको अप्लाई करना है क्वेश्चंस के थ्रू, प्रैक्टिस के थ्रू, राइट। और साथ ही साथ में हमें चैप्टर वाइज टेस्ट जो है वो अटेम्प्ट करना है। जब भी कोई चैप्टर पूरा हो जाए, आपने उसके ऊपर क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस कर लिए, उसके बाद में 20 या 25 क्वेश्चन का सेट जो है वो आप खुद बना सकते हो। उसके लिए 40 to 45 मिनट का टाइम आप सेट कर सकते हो। मैं फिजिक्स की बात कर रहा हूँ, अलग अलग सब्जेक्ट के लिए आप जैसा आपको कंफर्टेबल हो उस तरीके से टाइम सेट कर सकते हो, और आप इस तरीके से टाइम बाउंड मैनर के अंदर जब प्रिपरेशन करेंगे तो आप आसानी से अपनी कॉन्फिडेंस को और अपनी नॉलेज को दोनों को इंक्रीज कर सकते हैं। और वीकली बेसिस पे आपको फुल टेस्ट, यानी कि आपको पूरा का पूरा जितना भी सिलेबस आपने पढ़ लिया, मॉड्यूल वाइज टेस्ट कह लो, और जैसे जैसे सिलेबस पूरा हो जाएगा वैसे वैसे फुल टेस्ट के लिए आपको प्रिपेयर करना है। फुल टेस्ट के अंदर आपको अपीयर होना है ताकि आपका जो कॉन्फिडेंस है वो इंक्रीज हो सके। आप इस शेड्यूल को फॉलो कर सकते हैं। अगर आपको अभी नहीं दिख रहा है ये कि डे वन पर जैसे फिजिक्स के अंदर बेसिक मैथ्स को कवर करना है, बायोलॉजी के अंदर लिविंग वर्ल्ड को कवर करना है, और केमिस्ट्री के अंदर मूल कंसेप्ट एंड ऑक्सीडेशन नंबर को कवर करना है, तो डे वन के अंदर जो मैंने 8 से 9 घंटे पढ़ने के लिए आपको बताया है, आप 8 से 9 घंटे अगर पढ़ाई करते हैं तो आप आसानी से इन तीनों चीज़ों को इतना अच्छे से कवर कर सकते हैं कि नीट के अंदर जो क्वेश्चन इन तीनों टॉपिक्स के अंदर से पूछा जाएगा वो आपका 100% सही होगा। इसके अंदर कोई डाउट नहीं होना चाहिए। तो डे टू के अंदर भी मैंने टॉपिक्स लिख रखे हैं तीनों सब्जेक्ट्स के लिए, डे थ्री, डे फोर, और इस तरीके से लगभग मैंने इन तीनों सब्जेक्ट्स के लिए अगर आप देखोगे तो पूरे के पूरे 44 डेज का एक शेड्यूल आपके लिए तैयार किया है, ठीक है। अब ये जो शेड्यूल है, इस शेड्यूल के बेसिस पे ही हमने, यानी कि हमारी पूरी टीम ने, प्रैप ऑनलाइन की टीम ने मोस्ट वांटेड सीरीज प्रिपेयर करी है। तो अगर आप खुद से इस शेड्यूल को फॉलो कर सकते हैं देन इट इज़ वेरी गुड फॉर यू। और अगर आपको मुश्किल होती है, अगर आपके अंदर डिटर्मिनेशन की कमी है, तो आप प्रैप ऑनलाइन की टीम के द्वारा तैयार की गई मोस्ट वांटेड सीरीज़ का फ़ायदा उठा सकते हैं। मोस्ट वांटेड सीरीज़ के अंदर आपको वीडियो लेक्चर्स भी मिलेंगे जिनके थ्रू आप आसानी से किसी चैप्टर को बहुत ही कंसाइज मैनर के अंदर स्टडी कर सकते हैं। ध्यान रखना, मोस्ट वांटेड सीरीज़ जो है वो क्रैश कोर्स नहीं है। मोस्ट वांटेड सीरीज़ बेसिकली एक बिल्कुल नई अप्रोच है किसी चैप्टर को, बिल्कुल नई अप्रोच है किसी चैप्टर को इफेक्टिवली कंप्लीट करने के लिए। तो आपको इस चीज़ के ऊपर थोड़ा सा ध्यान देना है, और ये आप तब जान पाओगे जब आप मोस्ट वांटेड सीरीज़ के अंदर एनरोल करोगे और आप कुछ वीडियोस देखने के बाद में इस बात से सेटिस्फाई हो पाओगे। अगर आपको मोस्ट वांटेड सीरीज़ के वीडियोज़ जो हैं वो देखने हैं तो आप हमारी ऐप के ऊपर जा सकते हैं, और वहाँ पर 7 डेज के वीडियोस तीनों सब्जेक्ट्स के लिए, यानी कि 21 वीडियोस जो हैं वो ऑलरेडी आपके लिए फ्री के अंदर अवेलेबल करवाए गए हैं, ताकि आप आसानी से उन वीडियोस को देख के मोस्ट वांटेड सीरीज़ की जो अप्रोच है कम से कम उसकी एक फील ले सको, राइट। तो मोस्ट वांटेड सीरीज़ आपकी हेल्प कर सकती है। और अब बात करते हैं उन स्टूडेंट्स के बारे में जिन्होंने अपना सिलेबस कम्प्लीट कर लिया है, एक बार रिवाइज भी कर लिया है, और अब जो एक्स्ट्रा टाइम मिल रहा है उस टाइम के अंदर वो अपनी रिदम नहीं खोना चाहते, ठीक है, उन्हें खोनी भी नहीं है, और जिस रिदम के साथ वो पढ़ाई करते आ रहे थे, जितनी प्रिपरेशन, जितनी एनर्जी उन्होंने अभी तक लगाई है उसको रिटेन करना है, उसको सेम एनर्जी, सेम ऊर्जा के साथ आपको अपनी प्रिपरेशन को जारी रखना है, राइट। तो उनके लिए मेरी एडवाइस रहेगी कि वो ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस डेली बेसिस के ऊपर प्रैक्टिस करें, क्योंकि जितने ज़्यादा क्वेश्चंस वो सॉल्व करेंगे, उन्होंने जितना भी कुछ पढ़ा है उन सारी की सारी चीज़ों के बारे में बेटर कनेक्शंस, बेटर सिनेप्सिस जो है वो दिमाग के अंदर क्रिएट होंगे, जो कि काफ़ी हेल्प करेंगे क्वेश्चंस को समझने के अंदर, राइट। चैप्टर वाइज टेस्ट और फुल सिलेबस टेस्ट जितने ज़्यादा दे सकते हैं उतने ज़्यादा दें, राइट। अटेम्प्ट पास्ट ईयर पेपर्स विथ द टाइमर, टाइम बाउंड मैनर के अंदर क्वेश्चन करने हैं, मैंने आपको हमेशा के लिए कहा है। तो आपको अगर पास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने हैं, अगर आप चैप्टर वाइज पास्ट ईयर के क्वेश्चंस कर रहे हो तो ध्यान रखना उनको टाइम बाउंड मैनर के अंदर करना है। ये जितनी भी प्रैक्टिस है वो आपको हमेशा टाइम बाउंड मैनर के अंदर करनी है। इवैल्यूएट योर मिस्टेक्स एंड वर्क ऑन योर मिस्टेक्स, आपको अपनी मिस्टेक्स पहचाननी है, तो जितनी ज़्यादा मिस्टेक्स करोगे उतनी ज़्यादा मिस्टेक्स आपको पता चलेंगी और उतना ज़्यादा आप उनके ऊपर वर्क कर सकते हैं, ताकि असली एग्जाम के अंदर आप उन मिस्टेक्स को ना दोहराओ, राइट। तो लगभग इस स्ट्रेटेजी को आप फॉलो करोगे और जो शेड्यूल मैंने आपको दिया है, और अगर आप मोस्ट वांटेड सीरीज के अंदर एनरोल करते हो तो आज से लगभग
45 दिन बाद आप नीट के लिए इतना बेटर तरीके से प्रिपेयर्ड हो चुके होंगे कि आपके लिए नीट का एग्जाम एक जस्ट केक वॉक की तरह हो जाएगा। मतलब आप फिर तैयार हो जाएंगे कि यार अब हमारा एग्जाम आप कभी भी ले लो, हमारा एग्जाम आप भले ही कल ही ले लो, राइट। आफ्टर 45 डेज आपकी सिचुएशन ऐसी हो जाएगी कि आपका जो कॉन्फिडेंस है और आपकी नॉलेज जो है वो दोनों इतनी इंक्रीज हो चुकी होगी कि आप एग्जाम के लिए 100% तैयार हो चुके होंगे। और मैं हमेशा के लिए बोलता हूँ कि जब आप 12th का एग्जाम देते हो, और 11th 12th के दौरान नॉर्मली ऐसा होता है कि बच्चे बहुत ज़्यादा सीरियसली पढ़ाई नहीं कर पाते, और 12th का एग्जाम देते देते उनके दिमाग में ये बात घर कर चुकी होती है कि यार हम एक साल ड्रॉप करेंगे और नेक्स्ट ईयर हमारे सपने को पूरा करने की कोशिश करेंगे। मैंने आपको पिछले वीडियो के अंदर भी बताया था कि सिचुएशन जितनी नेगेटिव बनाई है कोरोना वायरस ने हमारे लिए, हमें उसको उतना ही पॉजिटिविटी के अंदर कन्वर्ट करना है। हमें कोरोना वायरस को हराना है, मुंह तोड़ जवाब देना है, साथ ही साथ में हमारे सपने को भी रियलिटी के अंदर कन्वर्ट करना है इस ही साल, यानी कि नीट 2020 के एग्ज़ाम के अंदर। मेरी बेस्ट विशेज हमेशा आपके साथ में रहेंगी। आई होप आपको इस वीडियो के अंदर जो शेड्यूल बताया गया है आप उसको फॉलो करेंगे। आई होप आपको इस वीडियो के अंदर जो भी कुछ बातें बताई गई है वो आपको बहुत ही ज़्यादा हेल्प करेंगी। अगर आपको किसी और चीज़ के बारे में कोई डाउट है जिसके बारे में आप चाहते हैं कि हमारी टीम के द्वारा वीडियो बनाया जाए, तो आप कमेंट बॉक्स के अंदर अपने डाउट्स, अपने जो कंसर्न्स हैं उनको हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। डरना नहीं है कोरोना वायरस से। इसके प्रति जितनी भी सेफ्टी की जो गाइडलाइंस जारी की गई है WHO के द्वारा और भारत सरकार के द्वारा, हम सबको उन्हें तहे दिल, ठीक है, स्वीकार करना है, उनको फॉलो करना है, ताकि हम अपने आप को और अपने परिवार वालों को इस भयानक बीमारी से बचा सके। और सबसे इम्पॉर्टेंट मैं वापस से कहूँगा, हमें पैनिक नहीं करना है, हमें डरना नहीं है, क्योंकि हमारे अंदर है इतनी हिम्मत कि हम इन बीमारियों जैसी जो छोटी मोटी इश्यूज हैं उनको आसानी से सॉल्व कर जाए। हम सबको मिलके काम करना है। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू।